फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक है, दूसरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है समर शॉर्ट के ऊपर, समर शॉर्ट कैसे मारे, उसके बाद मैं स्विमिंग की कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ, जिसमें जैसे कि कहते हैं कि अभी मैं स्विमिंग स्टार्ट किया, मेरे पैर नीचे चले जाते हैं, या मेरे हाथ नहीं बाहर आते, या ब्रीथिंग लेते समय मेरे नाक में सांस चला जाता है। एक चीज़ और बोल दो कि बैकग्राउंड में बाइक का ये सारा अगर शोर आ रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अपनी शॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारा कुछ। तो फ्रेंड्स, पानी के अंदर भी दिखाऊंगा और पानी के बाहर भी दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि अगर आपने समर शॉर्ट सीखनी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फ्रंट रोल जो कि आप फर्स्ट पे रोल करते हो वो चीज़ आनी जरूरी है। ठीक है, उसका क्लिप नहीं दिखा पाऊंगा, कोशिश करूंगा कि दिखा पाऊँ, बस ये है कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, जब आप समर शॉट मारते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने नाक से सांस थ्रो करते हुए मारना है। ठीक है, जैसे कि आपने समर शॉट मार रहे हो तो ये हाथ ओपोजिट चलेंगे, जबकि आप आगे समर शॉट मार रहे हो तो इन हाथों का वर्क आएगा अच्छे से, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा जब पानी के अंदर उतारूंगा। और समर शॉट की वीडियो मैंने चिंटू की बनाई है, मैं आपको खुद भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कभी मैं शूट कर रहा हूँ तो अंडर वाटर में मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें, आपको जो आपकी छोटी मोटी कमियां है बिगनर्स के लिए, खासकर याद रखना कि बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है जब वो स्टार्टिंग करते हैं, स्विमिंग स्टार्ट करते हैं तो हाथ चलाते हैं तो उनके पैर कभी रुक जाते हैं, तो पैर चलाते हैं तो हाथ नहीं चलते। इनके ऊपर मैंने कुछ स्पेशल बताया हुआ है कि मेन तो यही रहता है कि अगर आप हम ज़्यादा देर प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए हमारे दोनों का तालमेल नहीं बैठता, माइंड एक चीज़ पे दोनों के ऊपर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वर्क अच्छे से हो जाता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी टिप्स मैंने आगे भी बताई हुई है। जो पानी में बहुत ज़्यादा डर लगता है, पानी में जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, इस वीडियो का कुछ क्लिप है उसके ऊपर मैंने स्पेशल साउंड दी हुई है, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर आपको पानी से बहुत डर लगता है तो ये वीडियो गौर से देखना, इसमें मैंने कुछ टिप्स भी बताई हुई है जिसमें आपको पानी से डर नहीं लगेगा। ठीक है, और जो मैंने समर शॉट दिखाई हुई है, जब आप स्विमिंग फ्री स्टाइल करते समय तुरंत घूम के हम दीवार से पुश लेके जाते हैं, वो चीज़ के ऊपर आज वीडियो है। ठीक है, एंड तक वीडियो देखना, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में साउंड ज़्यादा है, उसके लिए सॉरी, जैसे ये हॉर्न आ रहे हैं तो ये सारी साउंड मैंने बाद में दी हुई है, बाद में इसलिए दी है क्योंकि पानी के अंदर कैमरा ले जाके उसमें मैं साउंड नहीं दे सकता, तो वो बाद में देनी पड़ती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, थैंक यू वॉच द वीडियो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, समझ सकते हैं। और इंस्टाग्राम, ट्विटर, मेरा टिकटॉक, सबकी आइडिया लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो प्लीज़, ताकि मैं उन पे भी ग्रोथ कर सकूँ और वहाँ पे मैं उनकी करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं पानी में। पानी में सबसे पहले आपने किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ये फ्रंट रोल की करनी है, जिसमें जहाँ पे कम पानी हो। ठीक है, ये 4 फीट है, मतलब चिंटू की हाइट छोटी, अगर आपकी हाइट ज़्यादा थोड़ी बड़ी है, थोड़ा मतलब इतना 4 फीट पानी कम से कम होना चाहिए, अगर कम हुआ तो आपका सिर नीचे बजेगा, मतलब इतना पानी होना चाहिए जिसमें आपका सिर्फ फेस बाहर रहे और ज़्यादा कुछ ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, कि आपने फर्श पे फ्रंट रोल करना सीखना है, फर्श पे या गद्दे पे या बेड पे, आप कहीं पे भी सीख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये फ्रंट रोल जो अभी दिखाया चिंटू ने जो करके पानी के अंदर, इसकी प्रैक्टिस करनी है, हल्का सा नीचे से पुश लेके आपने ये करना है, ये मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखा दूंगा। ठीक है, बैक नहीं करनी, बैक मुश्किल होती है, ब्रीथिंग करते करते जब आपने पुश मारना है तो नाक से सांस बाहर छोड़नी है। ठीक है, बाहर आके मुंह से ले लेनी है आपने, एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। और साथ में याद रखना कि हैंड मूवमेंट जो है ना वो ऊपर जो चलते हैं, मतलब हाथ से ही हम प्रेशर लेते हैं। ठीक है, हल्का सा नीचे भी पुश लेते हैं, ये देख सकते हो कि हमारे हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और जो हेड है वो नी के बीच में चला जाता है और हम अपने हाथों से अपनी बॉडी को घुमा लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले आपने फास्ट देख लिया होगा, ये चीज़ याद रखनी है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आप समर शॉट मार पाओगे। लास्ट तक देखना कि आपको मैं समर शॉट पूरी है ना अच्छे से आ जाएगी। पहले आपने कम पानी में करनी है, फिर आपने गहरे पानी में करनी है। ये पहले आप कम पानी में देख लो कि ये कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, नीचे पैर मार रहा है, हल्का हल्का फेस इसका बाहर है। ठीक है, और नीचे से पुश लेके वो करना है। ठीक है, ये बैक समर शॉट है, ये किसी काम की नहीं है, पर ये मस्ती के लिए बच्चे करते रहते हैं, मैंने एक बार करके दिखा दी कि हाँ भाई आप एक बार ये मतलब कर सकते हो मस्ती में, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, पर ये थोड़ी मुश्किल होती है, इसमें स्पीड बहुत स्लो होती है और इसमें ब्रीथिंग करनी पड़ती है। पर आपका मेन काम क्या है, फ्रंट समर शॉट मारनी। ठीक है, जिसमें हम फ्रंट रोल करते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसे आपने समर शॉट मारनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, गहरे पानी में यही प्रैक्टिस करनी है, गहरे पानी में आपके पैर नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारा क्या काम होता है कि हमने गहरे पानी में करनी होती है, जैसे ये देख सकते हो कि फ्री स्टाइल में जाके हम समर शॉट मार के दीवार के साथ पुश लेके फिर डोल फिल करते हैं, डोल फिल करने के बाद हम आप पे
हैंड फ्लाइंग जो भी हमने फ्री स्टाइल करना है या बैक स्ट्रोक करना है उसमें आपको चलते हैं। तो अब ये देख सकते हो कि चिंटू अब 8 फुट गहरे में पानी में आ चुका है। अब इसके जो पैर है वो नहीं लगे और अब ये सिर्फ पानी में घूम रहा है। ठीक है, अब ये पानी में घूम रहा है तो आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने गहरे में करनी है, उसके बाद आपने पानी में करनी है। ठीक है, उसके बाद मतलब कि पहले नॉर्मल जहाँ आपके पैर लग रहे हैं आप पैर से पूछ ले रहे हो, उसके बाद आपने गहरे पानी में करने लग जाना है। जब आप गहरे पानी में एक्सपर्ट हो गए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने पुश लेना है लग जाना है, मतलब कि आपने समर शॉट जो मारनी है उसके बाद आपने उसको किक भी करना है। किक कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, जैसे कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है उसके बाद आपने किक किक करना है। ठीक है, किक करने से क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी कि आप जो शॉट मार रहे हो मतलब कि किक कर रहे हो वो आप दीवार के साथ टच होगी तभी आप आगे जाओगे। ठीक है, घूमना है और किक करनी है। ठीक है, ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये घूमा है और लेग स्ट्रेट कर लिया इसने, हल्के से घूमना है और देन किक। ठीक है, ये वाली किक, इससे आपको समर शॉट मारनी आएगी, साथ में दीवार से पुश लेना भी आएगा। और एक चीज़ याद रखना कि आप समर शॉट जैसे ही दीवार के साथ पैर सीधे लग जाते हैं फिर आप पुश लेते लेते आप टर्न होना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने पहले समर शॉट मार ली फिर टर्न कर लिया फिर पुश मारा ना। ठीक है, आगे मैं स्लो मोशन में भी आपको दिखा दूंगा, ये देख सकते हो। सबसे पहले हमने किस चीज़ की प्रैक्टिस की, सबसे पहले हमने प्रैक्टिस की कि हम पहले बाहर बेड पे की या मैट पे की समर शॉट की, उसके बाद हमने पानी में की जहाँ पे हमारे पैर लग रहे हैं, उसके बाद गहरे पानी में समर शॉट की, उसके बाद हमने घूमने की, फिर उसके साथ किक ऐड की, प्लस किक ऐड की। ठीक है, जिस स्टेप बाय स्टेप आपने करना है अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने स्टार्ट करना है, मतलब कि कैसे आपने दीवार से मारनी है, समर शॉट का पुश लेना है। ये मैं आपको फास्ट और स्लो मोशन में दिखाऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ फास्ट मतलब कि मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, नॉर्मल स्पीड में ही किया है मैंने। ये चारों चार से आपको दिखा दिया कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितनी बार भी आपने समर शॉट मारने उतनी बार नाक से सांस स्ट्रोक करना है। अगर आप मुँह से करते हो तो आपका ज़्यादा सांस निकलेगा, बाद में आपको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, मुँह से सांस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कभी आप बड़ी ओलंपिक देख लेना। तो चलो अब आपको मैं फ्री स्टाइल में दिखाते हैं। तो ये वहाँ देख सकते हो चिंटू वहाँ पे है और उसने वहाँ से आना है, और प्रैक्टिस आपने सेम ऐसे ही करनी है, ज़्यादा दूर से नहीं आना पास से ही आना है जिससे आपकी प्रैक्टिस आसानी से हो जाए। टर्न मारना है, पैर दोनों टच करने हैं, फिर टर्न करना है, पुश लेना है और डॉल फिल करनी है, निकल जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी सारी मैंने वीडियो बनाई है ये स्लो मोशन में देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि आपको हाथ को स्ट्रेट नहीं चलाना, फोल्ड करके सीधा करना है। ठीक है, उसके बाद आपने समर शॉट मारने है। समर शॉट मारने से हल्का सा 1 सेकंड पहले आपने ब्रीथ ले लेनी है, मतलब कि सांस ले लेनी है बाहर से, फिर समर शॉट मारनी है। अगर आप बाहर से सांस नहीं लोगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी। और वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको अभी बैक स्ट्रोक दिखाऊंगा, जो स्लो मोशन में दिखा दी बैक स्ट्रोक में समर शॉट कैसे मारते हैं। ठीक है, लास्ट तक देखना, मैं जिसको पानी से बहुत डर लगता है उसकी भी टिप्स बताई हुई है। तो ये देख सकते हो बैक में आके लास्ट में आके हम सीधे हो जाते हैं, फिर समर शॉट मारते हैं, उसके बाद बैक फ्लोटिंग बैक ही डोल फिल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों इसलिए कवर कर दी क्योंकि बटरफ्लाई और इसमें बटरफ्लाई में भी नहीं बचती समर शॉट, ये 2 स्ट्रोक में बचती है समर शॉट, सिर्फ फ्री में और बैक स्ट्रोक में। ठीक है, बटरफ्लाई में भी समर शॉट नहीं बचती और आपकी ब्रेस्ट स्ट्रोक में भी समर शॉट नहीं बचती, ये बात का ध्यान रखना है। तो चलो अब मैं बताता हूँ जिसको, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि समर शॉट मारनी कैसे है। तो अब जिसको पानी से बहुत डर लगता है उसमें सबसे पहला स्टेप पानी में क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो कि ये लड़की है दिया, ये जो 3 साल की है, ये मतलब कि 4th साल की हो ही नहीं कंप्लीट, 3 साल चल रहा है इसको तीसरा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये क्या कर रही है, सिर्फ पानी के अंदर फेस नाक मुंह बंद करके सिर्फ पानी के अंदर फेस डुबोना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाहर आपने जंपिंग करनी है, सेम ऐसे ही करना है जैसे ये बच्चा कर रहा है, क्योंकि जिसको डर लगता है वो बच्चे जैसा ही होता है। पानी में कईयों को होता है कि एक बीमारी होती है, मुझे उसका नाम नहीं पता, सॉरी, उसकी वजह से हमें पानी से बहुत डर लगता है। तो क्या करना है, आपने जंपिंग करते करते एक बार आपने पानी के फेस अंदर करना है, तुरंत बाहर निकाल लेना। ठीक है, एक बार मैं पानी के अंदर भी दिखा देता हूँ कि पानी के अंदर ये फेस कैसा रख रही है। ठीक है, आपने भी सेम वैसा करना है, मतलब कि नाक मुंह बंद, कोई ब्रीथिंग नहीं करने की जरूरत आपको, इससे आपका पानी का डर निकल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप ब्रीथिंग के ऊपर काम करो, फिर फ्लोटिंग के ऊपर काम करो। ठीक है, ये देख सकते हो कि कैसे कर रही है, ये जंप कर रही है, 3-4 जंप कर रही है, फिर एक बार फेस अंदर कर रही है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं और हमें पानी से डर कम हो जाता है। जैसे कि बहुत डर लगता है, धीरे 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 ये कम होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, मैंने जो टिप्स बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी और मुझे कमेंट भी काफ़ी आते थे, तो मैंने इसमें रिकवरी की है, जो कि आपको मैं एक वीडियो में आपको 2-3 वीडियो का बेनिफिट बता दिया। और जो प्रैक्टिस करते हैं मैं उनको लिए बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करते समय हमारा हो जाता है 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स
चलो वीडियो का एंड करते हैं और एंड करते हैं और साथ में आपको और भी टिप्स मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रैक्टिस याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। ये भी है कि जो मुझे कमेंट करते हैं कि मैं ब्रीथिंग करता हूँ मेरे नाक में पानी चला जाता है ब्रीथिंग करते करते, या फिर मैं किकिंग करता हूँ मेरे पैर नीचे चले जाते हैं, ये चीज़ के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा आज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं फ्रंट रोल के बता रहा हूँ, जो समर शॉट मारते हैं आप पानी के अंदर, उसके लिए आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको फ्रंट रोल आना चाहिए, मतलब कि पानी के अंदर घूमना आना चाहिए। वो तभी होगा जब आपको ब्रीथिंग अच्छे से आएगी, क्योंकि ब्रीथिंग फ्रंट रोल में बहुत ज़्यादा पानी नाक में जाता है। रीज़न क्या रहता है कि हमें इसका इतना पता नहीं होता, जब हम उल्टे होते हैं तो नाक में पानी जाता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपने समर शॉट मारनी है, समर शॉट वो कि जो आप पानी में घूम के दीवार के साथ टांगे मार के आप सीधा जाते हो, वो वाली चीज़, ठीक है। जब आपने समर शॉट मारनी है तो आपने ब्रीथिंग करनी है, ब्रीथ आउट करना है, और हाथ ये ना ऐसे राउंड चलेंगे, जब आप हाथ मारोगे ना ऐसे राउंड करोगे तब जाके आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अब मैं बताता हूँ कि जो कहते हैं कि नाक में पानी चला जाता है क्या करें। फ्रेंड्स जब नाक में पानी चला जाता है आप ब्रीथिंग छोड़ते छोड़ते पानी के अंदर जाओ, छोड़ते छोड़ते बाहर आओ। नाक के अंदर तभी जाता है जब आप बंद करके नीचे जाके छोड़ते हो, ठीक है, ये तभी आएगा। मतलब कि आप स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ब्रीथिंग छोड़ते छोड़ते, मतलब कि नाक से ऐसे सांस ले लो, मुंह बंद कर लो, फिर छोड़ते होते ऐसे छोड़ते छोड़ते नीचे जाओ, छोड़ते छोड़ते ऊपर आओ, और छोड़ो आराम से, तेज मत छोड़ो, ठीक है। और दूसरी बात की जो लेग्स नहीं चलती, लेग्स स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम आती है कि लेग्स मूवमेंट आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम लेग्स करते हैं ना, माइंड को इतना रिमेंबर नहीं होता कि हमने हाथ और पैर दोनों एक साथ चलाने हैं, वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और दूसरी बात की जब आप वीडियो बनाओगे, वीडियो देखोगे तो उसको थोड़ा गौर से देखना, थोड़ी सी आपको किकिंग अच्छी करने आ गई तो आप उसको छोड़ देते हो और माइंड को याद नहीं होता। हम प्रैक्टिस ज़्यादा इसलिए करते हैं तो जब माइंड को रिमेंबर हो जाए कि ये चीज़ हमने कंटिन्यू करनी है, इसके अलावा हम और एक्टिविटी करते हैं तो वो भी कर सके, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और समर शॉट में आपने बाहर फ्रंट रोल की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि आप हाथ लगा के जमीन पे गोल गोल घूम जाते हैं ना, गुलाटी कहते हैं जिसको, गुलाटी भी कहते हैं हम तो, फ्रंट रोल कहते हैं, गुलाटी कहते हैं और पता नहीं क्या कहते हैं, घूमना पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं पानी के अंदर आपको दिखा दूंगा कि कैसे घूमना है, ठीक है, और कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतने ही थी, और बाकी कमेंट करने से पहले मेरी एक बार प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो प्लेलिस्ट में देख लिया करो, क्योंकि प्लेलिस्ट में देखते नहीं है और मेरी लगभग सारी वीडियो पड़ी होती है, बल्कि मैंने बना रखी है ब्रीथिंग के ऊपर, फ्लोटिंग के ऊपर, और किकिंग के ऊपर, हैंड मूवमेंट के ऊपर, ब्रेस्ट स्ट्रोक के ऊपर, गहरे पानी में कैसे खड़े रहें और डॉल्फिन कैसे करें, बल्कि लगभग मैंने सारे पार्ट बना रखे हैं। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू पूछता वीडियो। आज बारिश भी पड़ रही है और पानी में भी क्लियर नहीं दिखता, मैं समर शॉट मार भी देता तो आपको क्लियर नहीं दिखता, तो पहले मैंने बाहर बता दिया कि करना क्या है। समर शॉट मारते समय आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हाथ आपके ऐसे ओपोजिट चलेंगे, ठीक है ना, जब आप ऐसे प्रेशर मारोगे ना सिर को नीचे देखे तो आप ऐसे प्रेशर मारोगे तो आप ऑटोमेटिकली घूम जाओ। तो आज की वीडियो इतनी काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। और इस वीक में मैंने बोला था आपको तीन वीडियो दूंगा, और एक ब्रेस्ट की दूंगा, मतलब कि बैक की तो दो दी ही दी है, किकिंग की और पूरी ब्रेस्ट की बैक की, और साथ में मैंने फ्री किकिंग की भी बैक में इंक्लूड की हुई है, ताकि आपको फ्री किकिंग में साथ प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। और वो कायदा मैंने किक बोर्ड के साथ बिना किक बोर्ड के कैसे प्रैक्टिस करनी है वो सारी बताई है। और एक बात कि क्या कहते हैं, अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं समर शॉट के ऊपर बना दूंगा अच्छे से, तो ये थोड़ी टिप्स बतानी जरूरी होती हैं, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, और थंबनेल रहेगा ओके, तो इसके ऊपर मैं लिख दूंगा कुछ जो भी लिखना होगा। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो चैनल मेरा स्विमिंग बाय मनी जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, बैकग्राउंड में शो रहा है उसके लिए सॉरी, इस पर टेक्निकल लवली मनी जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी तो लाइक करो, थैंक यू वॉच द वीडियो।